सिरसा में एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि एब्रो इंडिया कंपनी दुनिया की सबसे प्राइज कंपनी प्रोडक्ट कंपनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकारी स्कूलों की 32 बेटियों को जो कि मेरिट आई है, उन्हें कंपनी की ओर से 5 टॉपर बेटियों को 1-1 लाख रुपए की धनराशि व अन्य बेटियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। सांसद ने इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए यश कैरवाला, सागर कैरवाला व संचालक सीताराम व्यास ने बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का विशेष रूप से आयोजन किया और उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि बेटियां पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और अपने अभिभावकों का नाम रोशन करें। वहीं इस मौके पर यश कैरवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि कल्पना चावला अवार्ड एब्रो इंडिया ने 2015 में इसकी शुरुआत की थी। 2014 में सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। शुरुआत में 10 बच्चियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद लगातार कार्यक्रम में अच्छा रिस्पांस मिला और उसके बाद साल दर साल सम्मानित किए जाने वाले टॉपर बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि इस बार 32 बच्चों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से 7 सिरसा के बच्चे शामिल हैं। पलपल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के लिए आए थे, क्या उद्देश्य था और आपने क्या संदेश दिया? देखिए, एब्रो इंडिया जो है कंपनी है एक, जो कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो है वो राइस प्रोडक्शन की कंपनी है। और इन लोगों ने जो मेरिटोरियस बच्चियां हैं उनके लिए यहाँ पर इनाम की घोषणा की थी कि जो बच्चियाँ जो है मेरिट में आएंगी, पूरे हरियाणा की 32 के करीब जो बच्चियाँ हैं उनको इन्होंने यहाँ पर कैश अवार्ड देने के लिए आमंत्रित किया है। इसके साथ साथ
जो 5 बच्चियां हैं जो ट�प पर हैं उनको 1 लाख से भी ज्यादा पैसा देने के लिए यहाँ पर जो है मेरिटोरियस बच्चियों को बुलाया गया है। और मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे यश केहरवाला जी का, सागर केहरवाला जी का, कि जिन्होंने इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया। और इसके साथ साथ हमारे उत्तर क्षेत्र के संघ चालक आदरणीय सीताराम व्यास जी, उन्होंने आप देखिए कि इतनी सर्दी के अंदर जो है इतना समय निकालकर इन बच्चियों के लिए, उन बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर जो है वो आए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही हमारे पूर्व के राज्यपाल आदरणीय गणेशी लाल जी भी यहाँ पर उपस्थित है मुख्य अतिथि के तौर पर। तो बहुत बहुत मैं सभी बच्चों को मुबारकबाद देती हूँ और सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने समय निकाला और इन बच्चों को प्रोत्साहित किया। आपको यहाँ आने में कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितना इस बात को लेकर खुशी हूँ कि हमारी बच्चियों को जिस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि बच्चियां ही जो है हमारे देश का भविष्य है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की धरती से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया था, तो आज हमें यहाँ पर सिरसा के अंदर उसको चरितार्थ होते हुए हम देख रहे हैं। और हमारी बच्चियां जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं इस कल्पना चावला अवार्ड लेने के बाद, मुझे लगता है कि उनके अंदर और भी ज्यादा ये भावना जागृत होगी कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकती है और देश को उन्नति के रास्ते पर अग्रसर कर सकती है। आम बच्चियों को आप क्या संदेश देना है? बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो बहुत मेहनत करके आगे बढ़े, पढ़ाई करें, माँ बाप का नाम रोशन करें और पूरे देश का, प्रदेश का नाम रोशन करें। और बिल्कुल भी घबराएं नहीं, अपने अंदर पूरा आत्मविश्वास भर के, और वो अगर पढ़ाई करेंगी आगे बढ़ेंगी तो उनके माँ बाप को भी बहुत खुशी मिलेगी और आगे भी वो दो दो परिवार जो है उनको मुझे लगता है कि आगे बढ़ाती है। एक तो वो जिस परिवार की बेटी होती है और फिर विवाह के बाद जिस परिवार में जाती है तो दो दो जो है कुल का नाम रोशन करती है बेटियां। धन्यवाद जी सर। कल्पना चावला अवार्ड्स जो है एब्रो इंडिया ने 2015 में शुरू किया, 2014 में सरकार की तरफ से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था। और उस टाइम जो जेंडर रेशियो था हरियाणा में वो काफ़ी शोचनीय चिंतनीय था, और उसको देखते हुए हमारी कंपनी एब्रो इंडिया ने 2014 में इस विचार को जो है आगे बढ़ाया और 2015 में पहला अवार्ड हमने कल्पना चावला अवार्ड 10 मेरिटोरियस टॉप गर्ल स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल की हरियाणा की है उनको दिया। उसके बाद में 2 साल के बाद में अच्छा रिस्पांस आने की वजह से हमने ये जो है नंबर्स जो हैं 10 से बढ़ा के 20 बच्चों को कर दिया, और पिछले साल से हमने ये 30 बच्चों को कल्पना चावला अवार्ड दे रहे हैं। इस साल ये ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सिरसा से थे, 7 बच्चे सिरसा से हैं, 6 बच्चे हिसार से हैं, तो हमने ये कार्यक्रम सिरसा में रखने का प्लान किया और सिरसा में रख के। और एक और खूबसूरत बात इस साल के प्रोग्राम की ये है कि इस साल हमने, हमारी मैनेजमेंट ने और हमने ये सोचा है कि हम जो टॉप के 5 स्टूडेंट्स हैं इन 30 बच्चों में से उनको 1-1 लाख रुपए का जो है कल्पना चावला अवार्ड देंगे, बाकी जो 25 बचे हुए बच्चे हैं उनको 21-21 हज़ार रुपये का कल्पना चावला अवार्ड, एक मोमेंटो और एक सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है। सर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा जो है देखो समाज सेवा की प्रेरणा जो है वो जैसे मैंने अभी बताया कि बचपन में जो है एक घटना मेरे जीवन में घटी और उसमें जो है मुझे ये पता लगा कि जब हम किसी को, किसी के जीवन में कुछ सहयोग करते हैं, किसी के जीवन में कुछ डिफरेंस क्रिएट करते हैं, कुछ अंतर पैदा करते हैं, तो हमारा अंतरात्मा जो है वो धुलती है, स्वच्छ होती है। और ये प्रेरणा मुझे मेरे बाबूजी मणिराम जी केहरवाला से मिली और उन्होंने जो है मुझे ये एक बड़े ही दिलचस्प तरीके से ये शिक्षा जो मुझे, मैं जब 7-8 साल का था तब उन्होंने मुझे दी। तो ये कार्यक्रम आप आगे भी करते रहोगे? हाँ जी, ये कार्यक्रम हमेशा आगे चलता रहेगा। पिछले 7 सालों से हम कर रहे हैं, 2015 से शुरू किया था, बीच में 1 साल कोविड की वजह से जो लिस्ट हमें नहीं मिली थी वो उस वजह से हम नहीं कर पाए, अदरवाइज पिछले 7 सालों से ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और जो है आगे परमात्मा ने चाहा तो इस राशि को भी और बढ़ाएंगे, और परमात्मा ने चाहा तो ये जो हायर स्टडीज के लिए जो इस साल हमने 5 बच्चों को 1-1 लाख रुपए का प्लान किया है वो भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये सभी सरकारी स्कूलों में है या प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को भी आप? नहीं, ये सिर्फ सरकारी स्कूलों की है, क्योंकि हमने ये सोचा कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो जरूरतमंद हो सकते हैं और उन्हीं को हमने ये कल्पना चावला अवार्ड देने का सोचा। इस बार आपने कितने बच्चों को सम्मानित कर रहे हो? 30 बच्चों को।